अस्सलाम वालेकुम आदाब व्यूअर्स, आज वो घड़ी अब पहुंच चुकी है जिसका इंतज़ार था हमारे तमाम व्यूअर्स को, हमारे तमाम शायकीन क्रिकेट को, जिसका वेट था यहाँ पे। तो चंद ही लम्हात में यहाँ पे अब मैच शुरू होने वाला है। रहमत क्रिकेट क्लब डोडा ने यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने फेसबुक पेज जनाब स्पोर्ट टाइम पे वेलकम करते हैं, मैं और मेरे साथी कमेंटेटर फरीद नायक, और ओपनिंग में जो बल्लेबाज आए हैं सावन, और सावन का साथ देने के लिए दूसरे बल्लेबाज जो होंगे उनका नाम भी जानना चाहेंगे हम। अभी कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पे ये फाइनल का इवेंट जो है शुरू होने वाला है। टॉस जीतकर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आरसीसी डोडा ने तो क्या कहना चाहेंगे, जो टॉस यहाँ पे विन किया और साथ में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, और किस हद तक सही साबित होगा। काफ़ी अच्छा टॉस जीता है आरसीसी डोडा ने, और इसी की वो तवक्का कर रही थी, अगर टॉस जीत के वो पहले बैटिंग करेंगे और अच्छा टारगेट सेट करेंगे, फिर अपोजिशन के ऊपर दबाव बनाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी इनके गेंदबाजों की। हाँ जी हाँ, आसिफ मीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो वो घड़ी जिस घड़ी का इंतज़ार था डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, फिफ्थ एडिशन T10 का फाइनल मैच शुरू होने वाला है। आप ऊपर बैठो, इधर से कुछ पूरा नज़र नहीं आता है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाने की, तो कोशिश करेंगे वहां से हम आप तक। अब अपने कमेंट में आप बताइए हमें, आप बताइए कि आप कैसा नज़र आ रहा है, अपने कमेंट में आप बता दीजिए। अमान भट्ट कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अपने कमेंट्स में आप बता दीजिए हमें कि अब तक अब ये वलाई हुए कैसा आ रहा है। सजाद हुसैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर वानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊपर जाओ सर। फैसल भट्ट का कमेंट, वो जो स्टैंड है उस साइड आज तो वहाँ पे बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, वहाँ से आज नहीं हो पाएगा भाई। जिस एंगल से रोज़ दिखाते हो उसी से सामने से लाइव यहाँ से ठीक नहीं आ रहा है, तो कोशिश करेंगे हम आप तक उसी एंगल से लाने की। आसिफ मीर कह रहे हैं मतलब सर आप जहाँ से आज तक लाइव करते थे वहीं से आप लाइव करो। एजाज का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम अपनी उस जगह को शायद यहाँ से चेंज करेंगे। तो ऊपर से अच्छा नज़र आता है जनाब, तो एक मिनट हम यहीं आज इसी एंगल से आपको मैच दिखा सकते हैं, और कोशिश करेंगे आप तक अच्छा व्यू आए। और सलसल हम अपनी जगह को यहाँ पे चेंज करते हुए, आपको आज इसी एंगल से मैच देखना पड़ेगा। जगह चेंज नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उस साइड अब जो जगह है वो नहीं है, वहाँ से जो वॉइस भी है बहुत ज़्यादा शोर है वहाँ पे। माही रिजवान सर प्लीज़ जगह चेंज करो, जूम करो सर। तो जूम करेंगे पहली गेंद पे, यहाँ पे जोरदार अपील। मैच यहां पे स्टार्ट हो चुका है। सिटी एंड की जानिब से हैं गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी यहां पे, मुसलसल दो गेंदों पे बीट करने में कामयाब हुए हैं।
रहमत क्रिकेट क्लब डोडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सलामी जोड़ी बीच मैदान में लोकेश और सावन सिंह। दानिश वानी है गेंदबाज सिटी एंड की जानिब से, पहुंचे विकेटों पे गेंद की निकाला इस मर्तबा गेंद को पॉइंट की जानिब बगैर किसी रन के। तो आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं। जितना भी अगर हम यहाँ पे अब जूम करेंगे तो आप तक वो बैट्समैन फिर नज़र नहीं आ पाएंगे, कुछ मज़ा नहीं है वहाँ से। आप मैच को देखते जाइए, बिल्कुल मज़ा आएगा मैच में। इसी बीच एक मरतबा फिर हमसे दूर जाते उठता हुआ स्ट्रोक, फील्डर गेंद से दूर और यहाँ पे रन आउट होने का चांस, तेजी से एक रन मुकम्मल करते हुए और रहमत क्रिकेट क्लब डोडा के यहाँ पे स्कोरिंग का आगाज हो चुका है। मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर फरीद अहमद नायक, क्या कहना चाहेंगे आज का ये जो बड़ा मुकाबला है? बिल्कुल बैलेंस साइड है दोनों, काफी बड़ा मुकाबला, दोनों टीमों पर काफी ज्यादा दबाव रहेगा चूंकि बड़ा मैच है और फाइनल मैच है और दोनों टीमों की ये कोशिश रहेगी कि इस फाइनल मैच को जीता जाए। काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। दानिशवानी है गेंदबाज डोडा टाइटंस के लिए सिटी एंड की जानिब से और जो फील्ड यहां पे सजाई है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आया है यहां पे स्ट्रेट एंगल से लाइव करो। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं जसविंदर भाई आपको ही मजा आएगा, हमें नहीं, कोशिश करेंगे हम सर उसी एंगल से जाने की। इसी बीच हमें उस जगह को चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमें आ रहे हैं। आप सर ये बैग लीजिए, कोशिश करेंगे हम अपनी जगह को चेंज करने की। तो इसी बीच पहली विकेट का पता नहीं यहाँ पे सावन को आउट कराने में कामयाब हुए अपनी गेंद पे और चाय किने क्रिकेट का शोर आप सुन सकते हैं यहाँ पे। दानिश वानी को मिलने वाला पहला विकेट और सावन 33-0 के स्कोर पे आउट। बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को खेलने में नाकाम और आसान सा कैच थमाया क्रिकेट के हाथ में, बहुत बड़ी। और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे आरसीसी डोडा को 1-1 और बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टैंड में जाओ आप, हम कोशिश करेंगे स्टैंड की तरफ ही हम जा रहे हैं, अब कोशिश करेंगे हम स्टैंड से आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने की। तो यहां पे आरसीसी डोडा को 1-1 पे पहला झटका लगता हुआ, स्टैंड में काफी ज्यादा शोर गुल भी है, वहां से हम वॉइस हमारी आप तक क्लियर नहीं आ पाएगी। अगर हम स्टैंड से आपको लाइव दिखाएंगे तो फिर वॉइस आप तक क्लियर नहीं आ पाएगी। बहुत ज्यादा क्राउड आज मौजूद है यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। इस एंगल से अगर हम आपको मैच दिखाएंगे तो आप बताइएगा कि आप तक कैसा व्यू आ रहा है। अब ये वो साइड है, अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा, शोर बर्दाश्त करेंगे, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। ये इस एंगल से थोड़ा हम आपको कोशिश करेंगे मैच दिखाने की, फिर से हम कोशिश करेंगे अपनी जगह को चेंज करने की। तो जल्दी करो हम थोड़ा अंदर जाएंगे, बारह कमेंट आए हराई करो। तो हम स्टैंड की तरफ जीत हमारी पुलिस की लाइन है कि शाम के वक्त तक घरों से निकलकर छोटे छोटे बच्चे लोग इस खूबसूरत टूर्नामेंट का मजा लेते रहे हैं। इसलिए शायद हमें मैं कुछ शुक्र देता हूँ हमारे कुछ फुटबॉल प्रेमी से साझा बातें हैं तो अब कमेंट्स में हम आपको कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सकते यहाँ से, अब आप मैच को और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ लेके शेयर भी कर दीजिएगा। मौजूद
वहां पर जब तीसरे अंपायर के रूप में इससे साफ नहीं अब हो पाएगा, बिल्कुल अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बॉलिंग करेंगे, थाली में बॉल के पीछे तीन की बॉल लगाई गई है, सुपर साफ रन का शोर सुन सकते हैं, क्लियर है सर। अब वही रिजवान का कमेंट आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पे, आप सुन पा रहे होंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना क्राउड यहाँ पे है। ये हमारा वीवीआईपी स्टैंड, यहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा भी बैठे हैं और साथ में एसएसपी डोडा, एसीपी डोडा भी साथ में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा वहाँ पे एक बार की बात भी होती है और मैं कहूँगा कि इसका अंपायर जरूर इंटरव्यू करेगा, बहुत बड़ा फाइनल है। ज्यादा कमेंट आ रहे हैं स्मार्ट वाइड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंपायर को इस डिसीजन को देखना होगा। इस डिसीजन को कहीं ना कहीं देखना होगा और हमारे साथ जितने भी लाइव कवरेज में व्यूअर्स जुड़े हैं, एक एक शेयर हम आपसे चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाइव कवरेज पहुंच पाए। खेल को थोड़ा सा यहाँ पे रोक दिया गया है, उस वाइड के डिसीजन पे यहाँ पे थोड़ा सा तजाद है, अंपायर्स ने जो एक गेंद को वाइड दिया है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस डिसीजन को गेंदबाजी जा रहे हैं। और हमारे साथ आज कमेंटेटर यहां से जो होंगे हम मास्टर ओम प्रकाश जी, आदर। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, दिस इज नॉट वाइड, तो अंपायर का डिसीजन अब फाइनल डिसीजन होगा। 33 को बोला चलना है फाइनल में, 33 आउट हो चुके हैं। अब तक हम ये अपडेट पहुंचा है कि 57-33 शून्य के स्कोर पे आउट हुए हैं, आदिल वानी ने उनको अपनी ही गेंद पे कैच आउट कराया था। इरशाद ऊपर से 6 रन के लिए निकाला इस गेंद को, शोर बहुत ज्यादा है, शोर को आपने बर्दाश्त करना होगा। आदिल वानी इज ऑन फायर, सनी है वन मैन आर्मी आरसीसी, और स्कोर है इस वक्त 14 रन एक रन के नुकसान पे। राजा जी कौन खेल रहा है बीच मैदान में, लोकेश और सनी की जोड़ी है, बर्दाश्त करेंगे सर माहिर रिजवान। तो आपको लाइव कवरेज अब तक अब कैसा आ रहा है, अपने कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा। Thank you.
पूरी तरह बात करते हुए वहां पे एक अच्छे क्रिकेट की उम्मीद थोड़ा भी तमाम शायकीन को है। मैच कौन जीतता है, कौन हारता है, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। एक बार फिर इर्शाद छोटे स्टार से रोड का विकेट बॉलिंग करते हैं। और स्कोर जा पहुंचा है 20 रन एक विकेट के नुकसान पे। स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पे। इनिंग का दूसरा ओवर जारी है सिटी एंड की जानिब से। लोकेश है सामने, लोकेश के बल्ले से ये रन आते हुए फोटोग्राफी और शाम का समय है, गेंद को मिलना मुश्किल है। अहमद तलाजा टोटा टाइटंस के बीच मैच है और पिछले साल की भी चलते अहमद तलाजा रही है। जब दूसरा का टूर्नामेंट हुआ था तो मुझे याद है उन्हें नहीं जीता था। लास्ट का जो टूर्नामेंट हुआ था एक कैरेक्टर सा उनकी टीम में चलता है, अच्छे खिलाड़ियों को रूट मिलाते हैं और इससे हमारे यंगस्टर्स को भी एक बूस्ट मिलता है। वो भी इन लोगों को देखते हैं, लोकेश जैसे बल्लेबाज खेल रहे हैं, सनी खेल रहे हैं, तो लगता है कि खिलाड़ियों के में जो करेक्टर इनका है, जो इनकी सलाहियत है, उसका पूरा फायदा हमारे यंगस्टर भी उठाए। और गेंद अभी भी मैदान से बाहर है और मुश्ताक शाह का कमेंट आ रहा हूँ, प्रकाश की कमेंट्री क्लियर करता। सनी को आज वन डाउन पोजीशन पे भेजा है आरसीसी टीम मैनेजमेंट ने। अंपायर्स कौन कौन है? अंपायर्स यासिर शाह, शाहिद अरशद और चीफ गेस्ट जो आज इस फाइनल के हैं, डेप्टी कमिश्नर डोडा और आरसीसी के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है। आरसीसी डिपेंड 100 कर सकती है, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त किस्म का मुकाबला ये आपको देखने को मिलेगा। इरशाद एक मरतबा फिर हमसे दूर जाते हुए जैसा मजा था वैसा नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। एक एक शेयर हम अब दमना अपने तमाम ओवर से चाहते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है सर, इसको हम क्या करेंगे? अब कमेंट्री पैनल में आज हमारे सीनियर कमेंटेटर हैं। और तो ओवर्स का खेल यहां पे मुकम्मल हो चुका है। 21 है स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। रहमत विकेट का हाँ जी हाँ जी नहीं, अभी भी एक गेंद आना बाकी है इस ओवर में। इस ओवर में आखिरी बार सनी के लिए गेंदबाजी करेंगे। बहुत बड़ा मुकाबला है, साफ आ रही है सर माहिर रिजवान। लेकिन फिर भी रनों की गति को बराबर रखा हुआ है क्योंकि उस पिच पे समझता हूँ 150 का स्कोर होना सेफ स्कोर है क्योंकि फाइनल है। और मैंने जैसा कि सुना कि आबिद पठान तब तक बाबा जो है टीम में खेल रहे हैं, तो आबिद पठान तो नाइक भी हमारे कमेंट्री पैनल का आज हिस्सा है। तो सीनियर कमेंटेटर यहाँ पे आज कमेंट्री अरशद मलिक और यासिर शाह हैं इस फाइनल के ऑफिशियल अंपायर। आबिद पठान बिल्कुल मेरे सामने फील्डिंग कर रहे हैं, मैंने बड़ी देर से इनको पहचाना, मेरे बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं ये और जब भी रांची में खेलते हैं अगली गेंद एक अंक का आपको
शुरू किया गया बल्ले से धकेला बॉलर की तरफ बॉलर ने विकेट को उठाया और वापस बॉलिंग पर आ गया। भाई बॉलिंग दानिश वानी करा रहे हैं सनी के लिए शानदार फील्डिंग नुकसान हो सक रहा था गेंद छिपक सकती थी लेकिन गेट भी आ गया एक बाउंस पे गेंद आई एक रन आउट हुआ इसी तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 29 29 फॉर द लास्ट अपॉन विकेट थर्ड ओवर पर दानिश लोकेश के लिए सबसे बाहर गए थोड़ी ज्यादा बाहर तो नहीं बनी क्योंकि हमारा मिट्री पक्ष हुआ बड़ा तिरछा है लेकिन कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्लो गेंद थी बीट हो गए पेस में दानिश ये फास्ट पे लिया गेंद को लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर बड़ी खूबसूरत फील्डिंग थी फायदा नहीं उठा सके उस गेंद प्रिंस सैम राजा भाई कमेंट्री साफ नहीं आ रही है भाई इसमें अब आज मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता तीन ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है 30 स्कोर एक विकेट के नुकसान पे क्या करें सर अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा तभी हमने आज अपनी जगह को चेंज किया था मैं ये मालूम था कि आप तक कमेंट्री आज सही नहीं आएगी आज आपको इसी कमेंट्री को सुनना होगा तीन ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है 30 स्कोर आरसीसी डोडा का 3 एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज हैं सावन सिंह शून्य के स्कोर पे आज इस बड़े मैच में आउट होकर वापस जा चुके हैं गेंदबाजी में एक चेंज विनर और रनर अप क्या है अहमर माखरे ये हम तक अभी अपडेट नहीं आए आपका लाइव दिखाना भी बहुत कुछ है आशिक माखरे कह रहे हैं सर शुक्रिया एक एक शेयर आप अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए गिरी थी आरसीसी डोडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था बहुत अच्छा प्लेयर रहमान मलिक जो फोटो पे इतना एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के जिन्होंने कोलैबोरेशन की थी इस टीम इस ग्रुप के साथ जो आज टूर्नामेंट जहां हो रहा है इसके साथ उनके पार्टनर हैं वो आज दुनिया में नहीं लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को बनाने में राउंड दल का गेंदबाजी करा रहे हैं 36 स्कोर एक विकेट के नुकसान पे आरसीसी डोडा का सनी गुप्ता बेस्ट ऑफ लक शानदार गेंदबाजी अपील वहां पे गार्ड बिहाइंड की अपील अंपायर पे इस अपील का कोई असर नकारते हुए इस अपील को यासिर शाह इसमें ज्यादा था
इनिंग का चौथा ओवर शानदार गेंदबाजी की अभी तक अमरोज ने, एक छह ही रन इस ओवर में अभी तक खर्च किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा सर, खांडे आरिफ कह रहे हैं शुक्रिया, हम अपने तमाम व्यूअर्स का कहते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ एक एक शेयर आज चाहिए हमें आपसे। सनी भैया लव यू 100, अंजर राठर लिख रहे हैं एक मरतबा फिर आखिरी मरतबा से दूर जाते हुए सिटी एंड की जानिब से पहुंचे विकटों पे, शानदार गेंद बैट से छूने के बाद सामने लुढ़क गई बगैर किसी रन के लिए। इसी के साथ इनिंग के चार ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 36 स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। राजा भाई फरीद साहब को लाओ, फरीद साहब भी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, लेकिन अब जब वहां पे उनके हाथ में माइक थमाया जाएगा, गेंदबाजी में अब एक और चेंज, अदनान जिसका नाम है और आबिद मुश्ताक, उनके सामने होंगे सनी, एक जबरदस्त मुकाबला होगा ये सनी गुप्ता बनाम आबिद मुश्ताक का। इनिंग के चार ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, आरसीसी डोडा 36 रन एक विकेट के नुकसान पे। पांचवें ओवर की प्रगति होने जा रही है। हमारे साथ जितने भी लाइव व्यूअर्स जुड़े हैं, आपने ज्यादा काम करना नहीं है, हमारे पेज को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा आपने शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाइव कवरेज पहुंच पाए। बहुत ज्यादा तैदाद में आज चाइकिन क्रिकेट स्टेडियम रोडा में मौजूद है। आबिद लेफ्ट आर्म अराउंड द स्टंप, सामने है सनी, पढ़ने के बाद मजीद बाहर की जानिब गेंद निकलती हुई और अंपायर का इशारा व्हाइट, इससे एक व्हाइट के साथ स्कोर जा पहुंचा 37 रन एक विकेट के नुकसान पे। बहुत ज्यादा तैदाद में आज शाही के क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम रोडा में मौजूद है। और यहाँ पे खूबसूरत गेंद, बल्ले को छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों बगैर किसी रन के लिए। भाई ये भद्रवा वाले आबिद मुश्ताक भाई हैं, जी हाँ आबिद मुश्ताक सिटी एंड की जानिब से गेंदबाजी करा रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला होता हुआ डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, दोनों ही टीमें जो हैं बैलेंस साइड्स हैं दोनों। इनिंग का पांचवा ओवर लेकर हमसे दूर जाते हुए बल्ले से आता हुआ ये छक्का, पहला छक्का सनी के बल्ले से आते हुआ के खिलाफ पहुंचा है 43 रन एक विकेट के नुकसान पे। एक विकेट के नुकसान पे 43 स्कोर आरसीसी डोडा। अभी तक चार गेंदें यहां पे हो चुकी है। जितने भी हमारे साथ हमारे जुड़े हैं एक एक शेयर आपने नहीं है, अपने दोस्तों के साथ हमारे लाइव कवरेज को शेयर करना है और हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सनी गुप्ता और लोकेश की जोड़ी बीच मैदान में आरसीसी डोडा के लिए। टॉस यहां पे आरसीसी डोडा ने जीता था और फैसला किया था। आबिद भाई बेस्ट टॉस को आगे बनाते हुए अपने कमेंट्स भी आप करते रहे साथ साथ में, अगर से हम यहां पे ले नहीं पाए लेकिन आप कमेंट्स करते रहे। फरीद साहब को लाओ कमेंट्री में, फरीद साहब भी मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में। एक मरतबा फिर उठता हुआ स्कोर मिडिल गेंद के नीचे और आसान सा कैच, यहां पे विकेट मिलता हुआ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ आरसीसी डोडा के लिए और आबिद को मिलने वाला पहला विकेट। आवाजें आप सुन रही हैं, यहां पे क्रिकेट लवर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जब जब भी यहां पे छक्का लगता है तब भी लोग शॉट को सपोर्ट करते हैं और जब जब भी विकेट गिरता है तब भी लोगों का ये शोर आपको सुनाई देगा और एक अच्छा साइन है, ये क्रिकेट लवर्स जो हैं क्रिकेट अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा, लेकिन अभी
लोकेशन क्रीज पर मौजूद 35 शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पे आज आबिद पश्चिम खान के नाम से शुरुआत कराई थी। थोड़ा टाइटंस के कप्तान शफकत खान ने ओवर में सिर्फ 10 रन करते थे, वहीं इरशाद अख्तर थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 20 रन करते थे कहते हैं लोकेश सिंह इस गेंदों का सामना किया, 34 रन बनाकर अभी भी नाबाद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। और नए बल्लेबाज जो भी आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इस बहुत बड़े मुकाबले में, सनी से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे आज सनी खरे नहीं उतरे। सबसे जबरदस्त टेनिस बॉल के बल्लेबाज माने जाते हैं वरुण, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ से। कल जब ये बल्लेबाजी के लिए आए थे सेमीफाइनल में तो 6 गेंदें खेली थी और 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को इतना बड़े मुकाबले में जिताया था वरुण। जबरदस्त बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, आज देखना होगा आबिद के सामने किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि जेकर आज ये खेले का एहसास रखते हैं और जे एंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है इस वक्त आबिद, सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर का शुमार होता है इस वक्त। और पूरी चनाब अली का नाम रोशन किया है, डोडा का नाम रोशन किया है, पिदरवाड़ का नाम जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है। आप ही देखना और फिर से इस बार बल्लेबाज लेकिन समझ नहीं पाए और दुफाई अंदाज से खेला, पॉइंट की जाना चाहता वहां पर फील्ड होती है, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस तरह से 5 ओवर के बाद रहमत गिल का गलत पता 33 लॉस ऑफ 2 विकेट, मुश्किल में इस वक्त बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। इनिंग के 5 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 43 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर रहमत गिल गलब डोडा, एक जबरदस्त मुकाबला होता हुआ, शानदार मुकाबला होता हुआ इस फाइनल मैच में, दोनों ही बड़ी टीमें इस फाइनल में हैं। गेंदबाजी ऊंचे रहमत के पास जरूर है लेकिन एक अच्छा टोटल देना होगा 110 या 120। हाय हाय कहेंगे हम आपको भी, और आपने ज्यादा कुछ करना नहीं, आपने हमारे को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर हम आपसे चाहते हैं। बढ़िया मैच है, नवीद वानी कह रहे हैं एम्ब्रोस ही साहब 90 प्लस स्कोर बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये 130 तक भी जा सकता है क्योंकि काफी ज्यादा बल्लेबाजी मौजूद है आरसीसी की प्लेइंग 11 में, 36 रन निकाले थे, 6 छक्के जड़े थे और गेंदबाजी का बात करें 2 ओवर में 10 रन खर्च कर 4 विकेट हासिल की थी। लोकेश की जोड़ी बीच मैदान में एम्ब्रोस हमसे दूर जाते हुए आपने शब्द की बात किया, मैं तो उनको ऐसा ही जुड़ता है, मुझे लगता है मेरा भी 30 साल का कैरियर है इस कमेंट्री का, लेकिन मैंने शब्द बाबा को ऐसा ही देखा जबकि रणजी ट्रॉफी में खेला भी करते थे, वही शैली थी वही इनका हुनर था वही फुर्ती है और वही स्टाइल भी है। और इन्हीं को ग्रूम जो आबिद पठान मेरे सामने फील्डिंग कर रहे हैं उनको ग्रूम करने में शब्द का बड़ा भाग था। एम्ब्रोस लोकेश खेलने के लिए तैयार है, खतरनाक तरीके से गेंद वहां पर उठी थी, बल्ले पर नहीं आई, काफी कसी हुई बॉलिंग होती हुई इस चीज को मेरे थी, हालांकि छक्के बहुत लगे हैं लेकिन बहुत कसी हुई है, छक्का ओवर है। जनाब स्पोर्ट्स टाइम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाइव कवरेज पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फाइनल को एंजॉय करें। एम्ब्रोस हमसे दूर जाते हुए पहुंचे, विकेट पे गेंद की निकालना चाहते थे, पास से गेंद निकल गई, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, पास से गेंद निकल गई, गति को बढ़ाना होगा, अगर स्कोर 130 तक नहीं पहुंचा तो ये फिर आज का जो स्कोर अभी भी जैसा आज एशिया कप का फाइनल हुआ लोगों को निराशा नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट की चीज होनी चाहिए, तरुण खेलने के लिए तैयार होते हैं, शादी भी फ्री की बोलती है तरफ से एम्ब्रोस को आज एडिशन किया है यहाँ पे फाइनल। अभी से बात की एम्ब्रोस गेंदबाजी लेफ्ट आर्म ओवर स्टंप पहुंचे विकेट पे गेंद हल्के हल्के डग भरते हुए पवेलियन की तरफ और दूसरा झटका लगता है
मैच था अपना शारोज में दूसरी अटेम्प्ट में वो कैच ले इस तरह से काश के खत्म की तरह बैटिंग करते हुए उनका पकड़ कदम की खराब बल्लेबाजी अब सुंदर आए हैं बहुत ज्यादा बल्लेबाजी मौजूद है आरसी के पास जो आगाज यहां पे गेंदबाजी नहीं कर रही है पे आउट किया था सावंत कहीं कहीं वो दबाव बनाए हुए हैं पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए इस मैच पे लेकिन अभी भी मौजूद है अब नए बल्लेबाज सुरेंद्र चौहान जिस तरह से जाता है गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं तो स्पोर्ट गेंदबाजों के अच्छे क्रिकेट की स्पोर्ट हो जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है जो भी टीम अच्छा खेलती है उसकी स्पोर्ट होगी यहाँ पे क्रिकेट की स्पोर्ट होगी बेहतरीन वातावरण में मुकाबला चलता हुआ गेंद की गलती से नहीं पहुंची जर ये खेल कर पहुंची लोकेश के बल्ले से 35 रन आए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी बल्लेबाज ने कितना योगदान दिया है मुकम्मल होते हुए रहमत क्रिकेट क्लब डोडा के रहमत को लगा था कि बच्चों के खिलाफ खेलने हैं आज कहां गए 180 शानदार दोनों इस तरह से 6 ओवर के बाद स्कोर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर नीरज ने बल्लेबाज है और पहली गेंद पर एक खूबसूरत सी ब्रेक करा है 6 रन के लिए देखिए बैटिंग में मुकाबला चल रहा हुआ आपने एशिया कप का फाइनल देखा शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया है वहाँ पे सिराज ने अभी भी अगर बात करें तो बल्लेबाज एशिया कप का फाइनल 50 पे ऑल आउट करना श्रीलंका जैसी टीम को घर में जबरदस्त बल्लेबाजी मौजूद है लेकिन यहाँ से अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है बहुत मुकाबला होगा बिल्कुल मुकाबला इसमें कोई शक नहीं है ये मैच काफी जबरदस्त होगा मुकाबला यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाबला और लाइव भी यह मुकाबला चल रहा है जनाब स्पोर्ट्स पर और दूसरे जो हमारे मीडिया के यहाँ पे कर्मचारी है उनके भी जो चैनल्स पे यहाँ पे लाइव चल रहा है This match is going to be a very tough match. और जबरदस्त मुकाबला होगा इस मैच में ये वन साइडेड मैच नहीं होने वाला जिस तरह से उन्होंने दो ओवर में बैक टू बैक ओवर किए थे चार ओवर में सिर्फ इन्होंने 18 रन खर्चे थे और 6 से ज्यादा विकेट हासिल की थी और जो बल्लेबाजी की थी जब मुश्किल में थे शफकत ने एक ओवर पर टारगेट किया उसने 37 रन हासिल किए 6 छक्के लगाए थे उस ओवर में आज देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे लोकेश के सामने लोकेश की बात करें तो 35 के साथ स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं लोकेश 20 गेंदों का सामना किया जिसमें 5 के गेंद भी छक्के देखने को मिले थे 50 रन यहाँ पे आज भारत के लिए एक बड़ी खबर एशिया कप में आज एशिया कप को स्कोर पे अलाउट किया था इंडिया ने पहली गेंद अच्छी गेंद से शुरुआत
जानिब से। दो ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर मायूसी। रहमत गिल का क्लब के जगह उठ रहे, काफी मायूसी, काफी नाखुश हो गया आज उनके शायद उनकी बल्लेबाजी से। सनी ने काफी निराश किया, सावन की बात करो हालांकि दूसरे नंबर पे है स्कोर लेटर बोर्ड की बात करूं तो दूसरे नंबर पे है हाईएस्ट रन गेट में, लेकिन उसने एक 175 रन की एक इनिंग आई थी। जीवन सिंह रखवाल अब शफकत ठाकुर अनचोटी की गेंदबाजी करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए। क्या कहेंगे सर शफकत ठाकुर के बारे में, थोड़ा टाइटंस के कप्तान गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल कसी हुई गेंदबाज, दिमाग से क्रिकेट को खेलते हैं। टॉम ओवर द स्टंप पहुंचे विकेट पे, गेंद की ओर गावस्कर, आसान सा कैच। बहुत ज्यादा मुश्किल में ये देखिए वो जशन क्यों ना हो, शानदार गेंदबाजी का मजा और कैप्टन को मिलने वाला पहला और स्टैंड से एक्सपेक्टेड यहाँ पे बड़ा विकेट हासिल किया है यहाँ पे कैप्टन शफकत ने। क्रिकेट को यहाँ पे स्पोर्ट होती हुई जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा जो भी अच्छा खेलेगी उसकी जान दी जाएगी। बल्लेबाज से बात की बात करें तो अभी भी इनके पास अच्छी बल्लेबाजी मौजूद, छोटी शर्मा टीम के कैप्टन अब जाके बल्लेबाजी के लिए आए। फायरिंग गलत हो रही है, विकास पट का कमेंट आ रहा है शफकत खान 50 पे 5 पे विकेट गिरते हुए इनका तरह और 7वां ओवर। आरसीसी मिली हुई है श्रीलंका से, मौजिम मौजिम का कमेंट भी आ रहा है यहां से 100 के पार जितने भी रन काफी डोड़ा, लेकिन कुछ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक गेंद न फेंकी जाए, जब तक आखिरी विकेट ना हो। अहमद क्रिकेट का दफ्तर आज के पत्तों की तरह उनके खिलाड़ी आउट होते हुए दूर जाते पहुंचे विकेट गेंद की ओर पहुंचा 56 रन 5 विकेट के नुकसान से। 6 रन का इशारा अंपायर अर्शद का, समीर कह रहे हैं जी हां क्योंकि बहुत ज्यादा आप सभी को खेलने लिए आए थे उस गेम को। बिल्कुल 6 रन का इशारा, अब जाके स्कोर में इजाफा हुआ 56 रन 56 5 विकेट के नुकसान पर इनका चलता हुआ 7वां ओवर। लेफ्ट आर्म ओवर छोटे शर्मा पहली गेंद पर छक्का चढ़ने में कामयाब, शफकत काका ने कर लिया फिर से अच्छी गेंद से लगने के बाद गेंद दी है ऑफ साइड पे मारना चाहते थे स्वीप करना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए और डॉट गेंद, डॉट गेंद का प्रेशर बढ़ता हुआ रहमत के बल्लेबाज के ऊपर बहुत किसी से बहुत ज्यादा डॉट गेंद यहां पर देखने को मिल रही है। 5 विकेट गिर चुके हैं आरसीसी डोडा के, ये बहुत छोटे शर्मा माफी मांगते हुए सामना करेंगे शफकत काका का बनेंगे फिर से अच्छी गेंद फिर से डॉट गेंद इस तरह से 7 ओवर के बाद स्कोर 56-5 विकेट के नुकसान पर खराब बल्लेबाजी बहुत खराब बल्लेबाजी का रूप में अहमद क्रिकेट क्लब 5 विकेट के नुकसान पे पिछले साल की चैंपियन लेकिन आज अभी तक इस मुकाबले में पूरी तरह से खराब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। डे नाइट का ये फाइनल चल बल्लेबाजों की जानिब से लोकेश ने जरूर 35 रन बनाए लेकिन अगर बात करें तो 23 गेंदे के लिए जिनमें यानी सिर्फ 5 सिंगल्स उन्होंने निकाले हैं। अगर आप इन 5 गेंदों को बाहर निकाले तो उसको जब जब यहाँ पे विकेट गिरता है तो 18 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए ये अच्छी खबर नहीं है अहमद के लिए। अब एक बार फिर से जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए लोकेश का वो छोटा ड्रैगन्स के गेंदबाज उनके सामने बल्लेबाज नीरज नाम से दूर जाते हुए लेफ्ट आर्म का
सकता है, जानती है क्योंकि इनके पास आसपास एक करियर बनाने में कामयाब होंगे तो एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। 11 के 11 खिलाड़ी इनके बल्लेबाजी करना चाहते हैं इस बार। अच्छी गेंद, हर चाहते हैं गेंद मारना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद तरीके के करके पास असमत शेख के दस्ताने में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसमें लगाई आज टोडा का मैच में लगने लगानी थी इन्हें काट पावर लेकर आप यहाँ पे आज आरसीसी में नाकाम पार्टनरशिप आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सी टीम इस फाइनल में छोटू शर्मा है और छोटू शर्मा के साथ देने के लिए आए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। बल्लेबाज चेक करते हुए गेंद को 62 रन माफ कीजिएगा फरमान और छोटू शर्मा बीच मैदान में कोई शक नहीं है। बॉलिंग अटैक जो है आरसीसी डोडा की लास्ट जो शानदार गेंदबाजी है किसी भी एक रन के लिए एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 है स्कोर 6 के नुकसान पे 8 ओवर के मुकाबले अभी भी 2 ओवर का खेल आना बाकी है। आपसे शेयर चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शफकत खाकान सिटी एंड की जानिब से पहुंचे विकेटों पे टाइटंस को आप फाइनल में देख रहे हैं शानदार गेंदबाजी पहले 4 विकेट और उसके बाद 50 रन के लिए क्वालिफाई कराया सौ के आसपास अगर टारगेट होगा तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा। इस मुकाबले की उम्मीद है हमारे तमाम व्यूअर्स को नसीर राठौर बिग नेम फ्रॉम आरसीसी सुपर 76 फरमान
थोड़ी सी जान आती हुई अहमद प्लाजा के बल्लेबाजों के पास हो जा क्रिकेट है ये क्रिकेट की तरह बदलता है कभी कोई कुछ नहीं कर सकता छोटू शर्मा इस गेंद को भी निकालना चाहते थे नाकाम खेल जारी है टी टू है स्कोर के दो जान डाल दिए रहमत प्लाजा में एक मैच बनना चाहिए लोग अच्छा क्रिकेट देखने के लिए आए हैं हमारी दोनों टीमें बहुत प्यारी टीमें हैं लेकिन जो खेले रहा अच्छा था बैलेंस मिलेगी दोनों ही बैलेंस जिसमें लेजेंड क्रिकेटर नो डाउट बिलाल मीर साहब और अब स्कोर जा पहुंचा 88 रन्स कहीं न कहीं सब की तरफ ये स्कोर जाता हुआ इस मर्तबा शानदार कैच से फेंकी हुई गेंद और इससे अवर को शानदार मुकाबला ये होने वाला है जिस मुकाबले का इंतजार हमारे व्यूअर्स को हमारे है उसी मैच बने रहे हमारे लाइक जनाब स्पोर्ट्स टाइम से देख रहे हैं डोडा के स्पोर्ट्स टाइम से फरीद अहमद आए आज कमेंट्री के फराइज दे रहे हैं शक्कत की बात जहाँ तक मैं करूँ नए लड़कों को मौका देते हैं और ग्रुप करते हैं ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सीनियर खिलाड़ी है बहुत महंगा खिलाड़ी है जो उनके साथ खेल कर उनको ग्रुप करते हैं और अच्छी क्रिकेट की तकनीक जो है खिलाड़ी हुआ खतीब पहले करने के लिए तैयार लेकर खतीब राउंड द स्टंप उठता नहीं जाऊंगा नजर अजहर हमराई अभी छोटे से स्टार्ट कर रहा है खेलने के लिए छोटू शर्मा तैयार होते हुए लव यू फ्रॉम हिमाचल चंबा छोटू भैया के लिए ओवर जारी है फाइव स्कोर छह विकेट के नुकसान शानदार शील्डिंग का वहां पर मुजाहरा आदिल वानी के द्वारा प्रेजेंटेशन लाइव दिखाना हाँ कोशिश करेंगे दो छक्कों की डिमांड अंदर आती हुई गेंद स्कोर जा पहुंचा
98 छह विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। देखिए सर इस टूर्नामेंट की बात करो तो रहमत ने एक मुकाबले में 238 रन बनाए थे 10 ओवर। यहाँ पे 99 का टारगेट मिला है यहाँ पे आरसीसी डोडा को और बाकी जगह डोडा टाइटन को मिला है 99। बहुत शानदार मुकाबला ये होगा सर। टीम इंडिया ने आज क्या ऐसा शानदार मैच अनएक्सपेक्टेड लग रहा था फाइनल मैच और फाइनल मैच में टीम पहुंची 50 रन पे आज में चैना आसर इरशाद बैट्समैन का ब्रेक है यहाँ पे ब्रेक नहीं लेंगे चाहते हैं कि आप अपने जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती है दानिश मानी की जानिब से और एक सफलता हासिल की थी इरशाद अख्तर महंगे साबित हुए एक ओवर में 20 रन खर्चे अपनी टीम के लिए। एम्ब्रोस की बात स्कोर 98 रन दो ओवर में सिर्फ 13 रन खर्चे कर रहा 10 ओवर में बनाने में कामयाब हुई है यहाँ पे आरसीसी डोडा। यानी आप इनकी बात करें दो ओवर में 21 विकेट के नुकसान से शफकत काकान दो ओवर में बहुत ज्यादा तैदात डोडा में बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया और 99 रन का टारगेट मिला है हासिल नहीं किया डोडा टाइटंस को ये मैच जीतने के लिए। विकेट की बात करें तो एक रन पर पहली विकेट गिरी थी 43 के स्कोर पर दूसरी विकेट जबकि 44 पे तीसरी 44 पे चौथी 50 के स्कोर पर पांचवी 60 के स्कोर पर छठी और 98 के स्कोर पर सातवीं विकेट कितनी हुई यहाँ पर आपको बॉडी लैंग्वेज देखिए रहमत क्रिकेट क्लब की ये टीम बढ़ना चाहती है ये टीम चैंपियन रही है। भाई रिप्लाई दो जी आप क्या कहना चाहते हैं फिर से आप कमेंट कीजिए। हाईएस्ट रन कट रहे हैं यहाँ पे अजहर एबी ही है इस टूर्नामेंट के ऑलराउंडर्स पे मुश्तमिल ये टीम है। पिछले मुकाबले में अगर देखें तो 11 के 11 खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाजी भी उन्होंने की बल्लेबाजी की भी टॉप रन स्कोर अगर हम बात नजर दौड़ाएं तो 315 रन स्कोर किया है इस टूर्नामेंट में अजहर। सावन सिंह दूसरे नंबर पे है 183 रन। लाडू कोट 164 रन। मोमिन बट उसके बाद दूसरे नंबर पे तो टॉप रन गट रहे हैं इस टूर्नामेंट के 315 रन स्कोर किए हैं अजहर एबी 17 ने। उनको मौका मिला है वो भी बल्लेबाजी बेहतरीन करते हैं आदिल वानी हालांकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। वहीं आप मुश्ताक वानी जानता है चिनाब वैली जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हुए आप और गेंदबाजी में अगर नजर दौड़ाएं तो नंबर वन पे है मोमिन भट्ट 5 इनिंग में 10 विकेट हासिल किए हैं। उमर भैया आएंगे तो गेंद आने दे देना उनको भारत की तरफ से भाई नीचे सिटी को देखिए ये वाली लगानी है ये वाली इरशाद अख्तर कल उन्होंने उनका पारी खेली थी सेमीफाइनल में और शाहरुख की गेंदबाजी का सामना करना होगा इस टूर्नामेंट की दांत दुनिया में जो आज सुहेल यहाँ पे चमचमाती हुई लाइट्स है। 5 इनिंग्स में यहाँ पे 315 रन हासिल किए यहाँ पर बने हैं इकबाल साहब और उनका साथ दिया है। अगर भद्रवा ध्यान से खेलेगी डेफिनेटली डोडा टाइटंस हर मैच में आप देखते हैं डोडा की हालत क्या है इस वक्त लाइट हमेशा दो दो तीन तीन घंटे नहीं मिलती है शाम के टाइम की अगर बात करें हुसैन आपको मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रही नहीं लाइट हाँ जी हाँ जी सर से बात करें तो काफी ज्यादा कटौती देखने को मिल रही है स्पेशली शाम के टाइम 6 से 9, 10, 11 बजे तक मैन ऑफ द सीरीज भी होने लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मेंटेनेंस रखा है अता मोहम्मद और इकबाल साहब ने दाद देनी होगी तारीफ करनी होगी यहाँ से क्योंकि अंडर लाइट्स ये टूर्नामेंट आज अपने इख्तिताम पर पहुंचता हुआ 12 डिसमिसल यहां पे ब्रजेश शर्मा के नाम है। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो ये है मुजफ्फरनगर अल के लिए मैनेजमेंट में पांचवा एडिशन के बाद उमर बट के नाम है 11 डिसमिसल जो टूर्नामेंट होगा उसका पहले ही अनाउंस हो गया 3 लाख विनर अप होगा और 1.5 लाख के करीब रनर अप होगा ये भी बहुत बड़ी बात है
और हम इस मैच से यही उम्मीद करेंगे कि पूरे भारत से यहाँ पे खिलाड़ी आए, टेनिस बॉल के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी जो भी है यहाँ पे आए और इस टूर्नामेंट का मजा उठाए और अपने खेल के जौहर दिखाएं। जिस तरह से आज जम्मू के खिलाड़ी डिफेंड करने की एबिलिटी तो है और हमारे चुनाव कहना लोकल खिलाड़ी आप मिश्रा जैसे यहां पे अपने जौहर दिखाते हैं। अपोजिट कौन सी टीम करेंगे कि आने वाले टाइम में अपोजिट टीम मुंबई दिल्ली कलकत्ता बाहर की स्टेट आरसीसी डोडा बनाम डोडा टाइटंस जिसके कैप्टन है शफकत खाका। यहां पे खेल के गए सही फाइनल में हालांकि वो हारे थे लेकिन बहुत बड़ी बात है डोडा के लिए चुनाव रैली के लिए इतने छोटे शहर में इतने बड़े बड़े नाम इतने दूर से खिलाड़ी आए। जी अभी सभी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो रहमत प्लाजा की ट्रेन ट्रेन की बॉडी लैंग्वेज लग रही है मुझे कहीं से कमजोर नहीं लग रही है, इनकी बॉलिंग है डिफेंस अपने तमाम व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहते हैं। अभी तक 21 शेयर आए हैं हिसाब से आप हमारे साथ जुड़े थे उसको उम्मीद हमारी उम्मीद से बहुत कम ज्यादा बहुत कम इनकी फील्डिंग लाजवाब है इनकी गेंदबाजी लाजवाब है। मैंने आपको पहले कहा था ये दूसरी इनिंग में और ओपनिंग में बल्लेबाज अब क्रीज पर आ चुके हैं दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पे इस ग्राउंड को पक्को भी जानते हैं इस पिच को पक्को भी जानते हैं डोरा टाइटंस के खिलाड़ी यासिर वानी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम उमर गनाई उमर कह रहे हैं थैंक्स ब्रो। यहाँ पे शुरू होने वाला अर्शद मलिक और यासिर शाह और शेयर हम आपसे ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर जाएंगे क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर रुक कर चुके हैं फील्डिंग टीम ग्राउंड पर मौजूद है लेकिन अंपायर का इंतजार अब जाके अंपायर भी ग्राउंड का रुख करते हुए और कुछ ही समय में पहली गेंद फेंकी जाएगी दूसरे दिन की आज अभी जबरदस्त गेंदबाजी रही है डोडा टाइटंस की लेकिन मैंने पहले बताया कि ये स्कोर 130 से 140 के जैसा स्कोर है मोहम्मद अरब की जानिब से क्योंकि इनके पास बुल चोट के गेंदबाज है इनके पास इंडिया टेस्ट बॉल खेलने का एहसास रखने वाले गेंदबाज मौजूद है चाहे फरमान की बात करो गौरव की बात करो और फिर सनी कौन नहीं जानता है सनी गोल को हमारे डोडा में ड्रॉप करते हैं बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हालांकि बल्लेबाजी में आज कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी में कुछ चोटी भी करते हैं तो क्या कहेंगे सर इंडिया रिप्रेजेंट करना और ऐसे ग्राउंड में कौन कौन खेलने आ रहा है बेस्ट भद्रवाची मुजफ्फर अहमद इस किस्म के खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं जैसा आपने बताया कि जो हमारी इंडियन टीम में ओपनिंग में जो बल्लेबाज आए हैं खेलने वाले डोडा टेस्ट मैच में खेल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत क्रिकेट की जीत है दानिश वानी मुझे लगता है बहुत से दानिश वानी के साथ क्योंकि डोडा एक ऐसी जगह है जो आपसी भाईचारे के लिए जानी जाती है और बहुत प्यार यहाँ से जितने भी खिलाड़ी हमारे दूसरे बल्लेबाज है उनका नाम अभी नहीं पहुंचा है क्रिकेट के यहाँ लाता है पहला मैच कोई जीते कोई हारे क्रिकेट में ऐसा होता है किसी का बुरा दिन भी हो सकता है किसी का अच्छा दिन भी हो सकता है कोई अच्छा खेल सकता है किसी की लक फेवर नहीं करती है तो ये दूसरी बातें हैं लेकिन लेकिन मैं आपको बताना चलूँ क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ रहमत प्लाजा के दोनों ही खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं और बल्लेबाज दोनों ने जैसा मुझे जावेद ने बताया कि मुकाबला बड़ा कठिन था 99 रन पे जीतने के लिए और देखते हैं अब ये कहाँ तक इस मैच को लेकर जाते हैं उसके बाद एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन यहाँ पे होगी जहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे एसीबी डोडा श्री फुलेल सिंह जी बैठे हुए हतीश लोन साहब यहाँ बैठे हुए अमीर अहमद मानी साहब यहाँ बैठे हुए अरुण शर्मा सिद्धू जी यहाँ बैठे हुए हैं फरहाद शापू और दानिश वानी की जोड़ी बीच मैदान में साहब यहाँ पर मौजूद है मैं क्षमता क्षमा चाहूंगा उनको अभी तक मौका नहीं मिला वो यहाँ पे आ जाए फरीद साहब इन्होंने पूरे टूर्नामेंट अभी तक ऑनलाइन जो हमारा स्कोर चलता है वो भी यहाँ पे सर अंजाम दिया और कंटिन्यू कमेंट्री की है और फरीद साहब की कमेंट्री आप सुन पाएंगे फरीद अहमद नाइक आपको देखकर हाल सुनाएंगे आपको फरीद साहब 99 रहमत के तकरीबन सारे मैचेस आपने कवर किए यहाँ पर फाइव देगा गेंदबाजी हुई चोटी की क्या लगता है आपको कहाँ देखेंगे काफी पहले वाला मुकाबला अभी भी बना हुआ क्योंकि दोनों टीमें काफी चोटी हुई टीमें हैं और ये 100 रन जो काफी बड़ा टारगेट है 99 रन का जो टारगेट सेट किया है देखना दूसरी तरफ
खराब शाबू और दानिशवानी विकेट पर पहुंच चुके हैं, जो फिर सजाई हुई उनके पीछे विकेट कीपर एक स्लिप और मनी पोसू पे फिर टच पॉइंट मिडा पावर ये ऑफ साइड की फील्ड ऑन साइड पे सुगेले पे फिर मिड विकेट पर कैच पोस में डीप पे खड़ा किया है मिडा पोसू पे फिर को डीप पे तैनात किया है। दोहरा गेंद करने के लिए आ रहे हैं सीटीएन की जानिब से दाएंगे हाथ से और दो विकेट गेन करेंगे उनकी बॉलिंग का सामना करेंगे पहली गेंद लेकर और अच्छी गेंद उस पर और बल्लेबाज करने के लिए तैयार होते हुए दानिश
दोनों ही अंपायर यासिर शाह और अरशद मलिक खिलाड़ी हैं और जानते हैं बहुत बड़ा मैच एक प्रेशर मैच होता है, ये प्रेशर कुकर की तरह होता है और अंडर लाइट एक नया एक्सपीरियंस है इसका। फरमा राउंड का विकेट और विकेट बॉलिंग करने के लिए तैयार होते हुए ओवर के बाद थोड़ा कैमरा इधर उधर घुमाओ, कोशिश करेंगे। अच्छी गेंद, इसे बहुत अच्छी गेंद, अंपायर के वाइड बॉल का इशारा, प्रेजेंटेशन लाइव दिखाना इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, प्रेजेंटेशन को भी आप तक हम लाइव पहुंचेंगे। इनके पास एक्सपीरियंस है, बहरहाल अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं टेनिस बॉल पे, तो खासियत तो जरूर देखने को मिलेगी और यहां पर पहली विकेट हासिल करते हैं अपनी टीम के लिए और बड़ा चेता लगता है। दानिश वानी की शक्ल में पहली विकेट जीती हुई अपने नौका नए बल्लेबाज, कौन से बल्लेबाज पाविने से नवादार होते हैं। अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, जिस तरह से गौरव ने पहला ओवर फेंका था, अगर वहां पर सनी मिसफील्ड ना करते तो यकीन एक बेहतरीन ओवर काटता, लेकिन एक चौका खाने के बाद सिर्फ 7 रन खर्चे थे गौरव ने। उनके दाद देनी होगी अहमद क्रिकेट क्लब के जो ऑनर है फरशीद अट्टू और उनके भाई फराद अट्टू, दाद देनी होगी फराद और फरशीद की, जिस तरह से खिलाड़ियों को यहाँ पे लाते हैं और कंटिन्यूसली पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और चैंपियन बने हैं, लास्ट ईयर के चैंपियंस है। और अगर यहाँ पे कोई क्रिकेट बॉल का इवेंट होता है तो लास्ट टाइम जो गुफरान हुआ था वो भी इनके ही नाम रहा था, लेकिन हालांकि उस टीम में पुनीत कुमार क्यादत करते हैं, लेकिन टेनिस बॉल के अलग अलग जगह से खिलाड़ी यहां पर देखने को मिलते हुए रहमत क्रिकेट क्लब के लिए। वहीं अगर लेदर बॉल की बात करें तो वहां पर भी एक जबरदस्त टीम उतार रहे हैं फराद अट्टू और फरशीद अट्टू, ताते नहीं होगी उन यंगस्टर्स की। फरमा अभी विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज हैं अभिषेक फरमा, तोड़ते हुए बहुत अच्छी कैसे फेंका जाता है और कैसे निकाला जाता है, गोली की रफ्तार से गेंद निकल रही है, कोई खून के शाख अभी तक जो है वो ना प्लैटर के बल्लेबाजों में नहीं लगाया गया। फरमा अपने शॉट को आगे बढ़ाते हुए सिकोरो आ एक खिलाड़ी क्या उठने था दूसरा ओवर का नतीजे एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ दिया था। अंडर लाइट्स कैच कहना चाहता कि भद्रवा के खिलाड़ियों ने जो कैच की लाजवाब कैच की शोभी है, हाइट्स में गेंद अपना रुख बदलती है, लेकिन फरमान का कसा हुआ जा रहा है सिकोर नौ रन। फरमान वहां बात करते हुए अपने कुछ खिलाड़ियों के साथ और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए काफी स्टाफ के साथ फरमान जिसे कहा जाता है, देखने को मिलता है स्पोर्ट्स टोडा में।
गेंदबाज की बात करें फरमान और कर लाजवाब गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, खूबसूरत गेंदबाजी के अंजाम देते हुए जबरदस्त गेंदबाज इंडिया का प्रोडक्ट। टाइटंस की बात करें तो बल्लेबाजी में गहराई जरूर है, लेकिन यहाँ पर सुई समय से बल्लेबाजी करनी होगी, टारगेट करना होगा, किसी न किसी गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना जरूरी है यहाँ से अगर इस मुकाबले को जीतना है। टाइटन का ड्रेसिंग हर ओवर में एक या दो बड़ी हिट लगाने की जरूरत है यहाँ पर बल्लेबाजी को, तब जाके बात बनेगी। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर फिर से गौरव गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार। मैंने पहले ही सर आपको बताया था कि इस टीम में 11 के 11 बल्लेबाज है और 11 के 11 गेंदबाज जाके गौरव बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए रहमत के गेंदबाज, लेकिन गहराई है बल्लेबाजी में क्या कहेंगे सर आप गेंदबाजी के बारे में, ऐसी गेंदबाजी एक छोटा सा टारगेट कहा जाएगा, हालांकि क्रिकेट में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अंडर 100 जो होता है उसे कम ही माना जाता है, 10 ओवर में बाउंड्री भी शॉर्ट बाउंड्री है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है क्या कहेंगे सर एक तस्वीर और उनके पूरे भाइयों को उनके पूरे परिवार को अपनी तरफ से बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ जो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मोर खिलाड़ियों को लेके यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिलता है। जैसे शबनम बाबा छोटे छोटे खिलाड़ियों को भद्रवा से लड़कों को घूम करते हैं और एक प्लेटफॉर्म उनको देते हैं, और मैं कहूँगा शबनम को चाहिए कि एक छोटी सी अकेडमी खोल लें, एक अकेडमी खोल लें जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ये ग्रूम करें और अच्छा क्रिकेट हमें यहाँ से भी देखने को मिले। आप छोटे से स्टाफ के साथ जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे है, कोई समय नहीं बल्लेबाज को अपनी जगह से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आए और गेंद जो थी उसको थोड़ी सी रास्ता से बाहर बड़ी असली गेंदबाजी गौरव करते और फरमान करते और स्ट्राइक रेट जो है संघर्ष करता हुआ भारत के रखा हुआ टूर्नामेंट के बल्लेबाजों को जानते कि वहां पहले भी एक चूक हो चुकी है और एक रन से दोनों खिलाड़ियों ने छोड़ कर दिया थे और 3 ओवर समय 11 रन, यार ये तो कितने आराम से भी नीचे का मुझे असर कर रहा है और रन रेट बढ़ता हुआ अब 12.5 के ऊपर चला गया है, 12.57 का रन रेट चाहिए। खरीद क्या कहेंगे आप धीरे धीरे थोड़ा जिस तरह की बॉलिंग होगी आप क्या कहेंगे, बहुत बड़ा मैच जूझे आगे मैच बढ़ेगा, काफी दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर और इसी तरह की तवक्का यहाँ पर आए हुए लोग लगाए बैठे दिलचस्प मैच होने चाहिए और उसी किस्म का मैच यहाँ पर काफी टाइट लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कराते हुए और दोनों बैट्समैनों को भी थोड़ा सा दिखाई देता है अपना के रखा, लेकिन प्रदीप पूरा यहाँ पर गेंदबाजी में जाता है बिल्कुल उमदा लाइन और लेंथ के साथ गेंद करते हुए यहाँ पर रेफ के गेंदबाजी का अपना शानदार गेंदबाजी का बुला हो गया है। दूसरी तरफ जाकर देखा जाएगा पावर प्ले नजदीकी फील्डर ऑफ साइड पे गली और फील्डर लोकेश सीटी से पहली मरतबा इस मैच में पहुंचे और
अच्छी गेंद फिर से पार जाती है गेंद फिर करंट गेंद को कोशिश फिर से जाकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी कामयाब नहीं हो खराब चला दी है यहां पर बैट्समैन की और गेंद की लाइन पे आकर आपको स्ट्रेट हेड के साथ खेलना होगा और ये बॉल के पीछे वाला जो एरिया स्ट्राइक एरिया होता है वहां पर आप जब भी आप स्ट्रेट हेड के साथ खेलेंगे तो जारी है।
बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार होते हुए शापू काफी देर से खेल रहे हैं, 15 रन बनाकर चिंगेन अब की बार निकाल दिया इसको स्टॉल की तरफ, बहुत खिलाड़ी मौजूद, एक रन से दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बंदे, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। फरमान और गौरव ने बहुत प्रभावित किया है, लोकेश ने भी एक ओवर बड़ा खूबसूरत फेंका था, खेलने के लिए बल्लेबाज तैयार, टारगेट 99 का मिला अभिषेक, अंपायर की तरफ हालांकि देखा लेकिन नहीं, क्योंकि अर्शद मलिक बहुत मंजे हुए अंपायर है, का मजा लेते हैं कमेंट्री बॉक्स में, मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इंतजाम यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के दो सीनियर अफसर यहाँ बैठे हुए हैं जो बड़ा दिलचस्प पर देखते हुए, फरमान के लिए कॉल किया है लेकिन बार बार बच्चे वहां पर थे, सिद्धिक नहीं आया, एक रन से छोड़ पाता दोनों खिलाड़ियों ने, स्कोर 26 रन, एक खिलाड़ी का विकेट सारी बची हुई है लेकिन रन जो है माफ कीजिएगा स्कोर 26 रन है, हमारे ऑफिशियल 3-4 कैमरास काम कर रहे हैं स्कोर पे, स्कोर की चिंता ना करिए आप, अगर हमारी जबान से स्लिप भी हो जाता है वो कोई आखिरी नहीं है। फरमान शापू के लिए अच्छी गेंद, की बात करें तो अभी तक गौरव ने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्चे हैं और फरमान 1.5 ओवर 9 रन और 2 सफलता है, 2 जो विकेट गिरी है फरमान के खाते में गई है, आपके लोकेश 1 ओवर 7 रन, अब एक और जबरदस्त बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं इरशाद अख्तर, इरशाद की बात करें तो कल ने 8 से 10 छक्के मारे थे और जो छक्के मारे थे वो स्टैंड के बाहर गए थे, एटलीस्ट 5 से 6 बार तो मिले ही नहीं थे क्योंकि अंडरलाइट्स बाहर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है गेंदों को, आज देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, आज इनके ऊपर कड़ा इम्तिहान होगा इनके कानों के ऊपर, क्योंकि इस वक्त टीम मुश्किल में है, अभी भी 31 गेंदों पर 73 रन जीतने के लिए 14.1 टीम की औसत से रन दरकार है यहाँ पर टाइटंस को, डोना टाइटंस की बात करें बल्लेबाजी जरूर अच्छी है लेकिन पूरी तरह से इस वक्त टूटती हुई किश्ती को आप सहारा देना होगा इरशाद को, फरमान आखिरी मरतबा जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए रहमत के गेंदबाज, हालांकि बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन गेंदबाजी उल चोटी की यहाँ पे कुछ एरर आता हुआ लेकिन स्कोरर यासिर राही जबरदस्त स्कोरिंग के फराइज अंजाम देते हैं, यासिर राही का जैसा स्कोरर या एम्पायर आपको पूरे चुनाव पहले में नहीं दिखेगा, क्या कहेंगे ऑफिसर आप यासिर के बारे में? यासिर मेरे बड़े फेवरेट अंपायर हैं, मैं बाकी कुछ नहीं कहूंगा लेकिन आज स्कोरिंग कर रहे हैं, 3 जगह पे स्कोरिंग हो रही है, पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई है, अगर हमारी जबान के बोलने में कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है कहीं एक रन ऊपर नीचे हो जाता तो 3 स्कोर यहाँ जो डिजिटल स्कोरिंग हो रही है बिल्कुल बॉल टू बॉल आपको बताया जा रहा है। फरमान अभी इस ओवर की 1 गेंद बाकी है मेरे स्कोरर के मुताबिक और खेलने के लिए आए हैं इरशाद, जैसे इनकी तारीफ सुनी है कि कल उन्होंने 10 छक्के यहाँ लगाए थे, आज देखना अपनी टीम को कहाँ लेके जाते हैं, बहुत बड़ा फाइनल का प्रेशर पर सुकून बैठे हुए तमाशाई चारों तरफ बड़े खूबसूरत हृदया नहाते हुए लाइट रोशनियों में नहाते हुए स्टेडियम का मजा लेते हैं, भागते हैं
यानी पांच ओवर्स का खेल मुकम्मल होने पे सिर्फ 26 रन यानी 5.1 की औसत से रन बने हैं और अभी बचे हुए जो 5 ओवर का बहुत रन करने होंगे 73 रन बनाने होंगे और रन रेट जो है 14 रन का करिए काफी मुश्किल काम क्या कहेंगे फरीद मेरे हिसाब से काफी शानदार बोल गया अभी जावेद साहब बात कर रहे थे अख्तर की लेकिन आज टीम डिफरेंट है गेंदबाज डिफरेंट कैप्टन डिफरेंट और आज फाइनल मैच के डिफरेंट दबाव यहां पर इस क्राउड के सामने आसान काम नहीं होगा यहां पर बैटिंग करना और काफी अच्छी कोशिश यहां पर मेरे हिसाब से रमन क्रिकेट क्लब बोरा की टीम की काफी दिलचस्प मुकाबला डोडा शाही की निकट कर जिस गेंदबाज को जो उनके पसंदीदा गेंदबाज वो अगेन करने के लिए आ रहे हैं सनी सीजी एंड की जानिब से तब्दील किया है उनको पहली मरतबा इस मैच में गेंद करने के लिए आ रहे हैं सनी अपने बोर्ड के निशान पे तैयार मुख्तलिफ एक्सरसाइज करने में मसरूफ उनके सामने है बैट्समैन अभिषेक जो कि लेफ्ट बैट्समैन है एक स्लिप विकेट के पीछे विकेट कीपर गली पोस्ट पे एक फील्डर ऑफ साइड में जबकि अपने बॉलिंग के निशान पे तैयार सीटीएम की जानिब से और विकेट गेंदबाजी जारी रखते हुए हमसे दूर जाते हुए पहुंचे गेंद दी पहले के बेस्ट खिलाड़ी अभी भी संघर्ष जोर किया
लेकिन इस ओवर में कई हद तक प्रेशर को रिलीज किया है इरशाद और अभिषेक ने, मतलब क्या अभिषेक ने थोड़ा ज्यादा गेंदे खेली, 12 गेंदे क्या 14 रन बनाए अपनी टीम के लिए, पीछा कर रही है लेकिन इरशाद दो गेंदे को भी छक्के लगाने में अभी तक कामयाब हुए, अभी आगे बढ़ना बाकी है, ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं वो थोड़ा टाइगर्स के लिए, काफी एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने का एहसास रखते हैं, और 50 है दो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है अभी के पास, ऐसा मैच जितना जानते हैं, और आपने देखा होगा जब भी जम्मू कश्मीर रांची टीम मुश्किल में आई है तो आबिद ने 7वें 8वें 9वें नंबर पे आके 60-60 70-80 रन किए अपनी टीम के लिए, लेकिन डिफरेंट गेम है, डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन एक्सपीरियंस की जरूरत, अब बाजी को गेंदबाज के बताया गया है, क्रिकेट बॉल के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहमत के खिलाफ के लिए कुलविंदर सिंह है, आप देखना होगा टेनिस बॉल में किस तरह गेंदबाजी करते हैं कुलविंदर सिंह, इस किंग माना जाता है कुलविंदर को, आज देखना होगा किस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं, सनी आज काफी निराश होंगे अपनी गेंदबाजी से, अपनी बल्लेबाजी से और अपनी फील्डिंग से, क्योंकि पहला जो पिच फील्ड हुआ था वो भी सनी से ही हुआ था, हालांकि टोडा में पूरी तरह से अपना भैया आप यहाँ पे गलती नहीं कर सकते, काफी जबरदस्त अंपायर यहाँ पर मौजूद अर्शद मलिक और एक एक शेयर हम अपने व्यूअर्स से चाहते हैं, अब देखते हुए फील्डिंग, अब जो नए बल्लेबाज है नए बल्लेबाज है फील्ड को तरतीब देते हुए गेंदबाज कुलविंदर, यहाँ से अभी भी 24 गेंदों पर 48 रनों की दरकार, 12 की आशा से रन बनाने होंगे डोडा टाइटंस के बल्लेबाजों को, तब जाके 5 बनेगी, एक बंदा फिर से चले पर अच्छी गेंदी पर आती हुई गेंद पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और एक रन से रोक नहीं पाएंगे इसी बीच से एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ, पावर रन दो खिलाड़ियों के आउट होने पर यहां से एक ओवर को फिर से टारगेट करना होगा, 20 से 22 रन आने होंगे एक ओवर में, तब जाके बात बनेगी डोडा टाइटंस के लिए, सिंगल डबल से यहां पे कुछ बनने वाला नहीं है, यहां पर बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है, हर ओवर में 1 से 2 बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे, यहां पर फिर से कुछ हलचल ग्राउंड में देखने को मिलती है एम्पायर्स की जानिब से, देखना होगा फिफ्टी 53 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे इनिंग का 7 ओवर जारी है सिटी एंड से, अब जाके फिर से गेंद शुरू होता हुआ, कुलविंदर कुलविंदर यहाँ पे देखना होगा बस हमारे साथ जो क्या सिंह स्किंग देखने को मिलेगा या फिर 300 तक हमारे इरशाद पे आपसे एक एक शॉट होते हैं देखना होगा, इरशाद अभी तक 2 छक्के जड़ने में कामयाब हुए, कुलविंदर एक मतलब फिर से हमसे दूर जाते हुए पार पर क्रॉस किया 500 का जो टारगेट है जीतेगा, बहुत अच्छा वापसी की वहां पर डोना टाइटंस है, खास करके इरशाद जो बल्लेबाज आए हैं 3 छक्के गोल लगा चुके हैं और बातचीत वहां होती है अंपायर बार बार बात करते हुए खिलाड़ियों के साथ, लगता है बॉल जो है वो गुम हो गई है, बड़ा दिलचस्प
फाइनल, जिस फाइनल की उम्मीद यहाँ पर थी वही फाइनल होता हुआ, और आप कह रहे थे जावेद से फील्डिंग का स्टैंडर्ड, आज आपने देखा जब एक ओवर में 4 विकेट सराय ने ली तो एक गेंद पे पॉलिस बैंक ड्राइव किया, वो खुद गेंद पर दौड़ कर पीछे को भागे और बाउंड्री लाइन को रोक नहीं पाए गेंद को, लेकिन बाउंड्री तक भाग के गए, और जब प्रेजेंटेशन उनको पूछा गया कि वो क्या था, उसने कहा ये जज्बा है, हम सारे 11 का 11 जान लगाते हैं, मैं चाहता था कि अपनी टीम के लिए एक रन में बचा सकूं गेंद को रोक सकूं, तो ये जज्बा खिलाड़ियों के अंदर होना चाहिए। छोटा के स्पोर्ट्स स्टेडियम पर पूरे ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद देता हूं, जिसमें उमर, इरफान, दाऊद, इनकी पूरी टीम और हमारे दो होनहार इलेक्ट्रिशियन मोहम्मद इकबाल पापुरी और अतुल मोहम्मद देव, जिन्होंने पूरी लाइट्स का यहां पर इंतजाम किया हुआ, और मेरे साथ जावेद या जूरी में जितने लोग जुड़े हुए यहाँ से डार नीचे हैं, सबको मुबारकबाद की है, इतना जबरदस्त टूर्नामेंट उन्होंने डोडा में कराया, क्या हर आदमी को हाथ खोलने का मौका मिला। परमिंदर सिंह इस नंबर की जर्दी पहने हुए, जैसा जावेद बता रहे हैं कि कुलविंदर सिंह माफ कीजिएगा राइट, जो व्हाइट बॉल या रेड बॉल के जबरदस्त बॉलर माने जाते हैं, ये 12 रन आएंगे क्योंकि बल्लेबाज खेलने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी दिलचस्प बना दिया इस मैच को कुलविंदर, लेकिन दोनों ही अभिषेक और उषा बहुत अच्छा खेलते हुए, कुलविंदर अपने सवर को आगे बढ़ाते हुए इनिंग्स का ये 7वां ओवर, कुलविंदर दिमाग से बॉलिंग करनी होगी, बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, जबकि इनका 8वां ओवर इस वक्त जारी है, सीबीएन की
आगे बढ़ाते हुए
बहुत गजब है। हमें तो गेंद दिखनी नहीं, लेकिन खिलाड़ी कैसे गेंद को भाप रहे हैं। एक रन और बढ़ता हुआ स्कोर, बढ़ता हुआ 74 रन। जी जान लगाया है, बहरा मैच कोई भी जीते क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अच्छा क्रिकेट शायकी ने क्रिकेट को देखने को मिला। लोकेश यादव की जर्सी पहने हुए मैच 50-50 पे है। लोकेश का आता हुआ उन दो अंकों की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में सनी ने अमर किया था, कुलिंदर ने किया था, बड़ा महंगे अमर हुए थे वो। दो अंकों में 46 रन आए थे उसमें, राम बाल 25 रन। लोकेश अपने आप से बातें करते हुए आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा। काम करते हुए पूरे डोडा के लिए, पूरे चनाबेली के लिए,
पढ़ाई जबरदस्त की और ला पढ़ाया भी है, केस अकेडमी में थे, एक बेहतरीन इंसान, और जब से उन्होंने डोडा के असदों का बाहर संभाला हुआ है तो हमारा जिला जो है बहुत तरक्की पे है। सामना करेंगे अब सावन की गेंदबाजी, 12-23 का आंकड़ा है। बड़ा दिलचस्प है, मैं कहूंगा कई जीते हमारे लिए, दोनों टीमें ही बहुत बढ़िया टीमें हैं, अब दोनों को ही मुबारकबाद देंगे, लेकिन जीतना किसी एक ने है, ऊपर वाले ने लिख दिया है कि कौन जीतेगा। विकास सावन किया जा रहा है, पूरे डोडा ने रोया था।
यहाँ पूरे डोडा के जितने भी रूरल एरिया जितना भी है, चाहे आप गोंडा लीजिए, यहाँ से आप जैसा भागवा वगैरह लीजिए, मरम्मत का एरिया लीजिए, सिटी जितना भी हमारा रूरल एरिया है, तो पूरे लोगों ने रोया था क्योंकि उनके काम से वो जाने जाते हैं। साहब बहुत ही जबरदस्त ऑफिसर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम में या आज तक उनके जैसे ऑफिसर हमने यहाँ पे देखे होंगे, या मुझे नहीं लगता है कि जैसे ऑफिसर यहाँ पे मिल सकते। अगर पहली दो गेंदों में यहाँ पे इरशाद स्ट्रोक लेने में कामयाब हुए तो ये मैच डोडा टाइटल्स के नाम जाएगा। ये आने वाली छह गेंदें यहाँ पे डिसाइड करेंगे। क्या कहेंगे आप? अब देखिए पुलिस बिल्कुल अपना काम कर रही है, पक्की भी अपना काम कर रही है, लेकिन मैं फिर से गुजारिश कर
अपना सपोर्ट पेश करें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हिंदुस्तानियां देख रही है, यहाँ पे एसीडी सर देख रहे हैं, यहाँ पर सचिन डोडा मैच को देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे लाइव व्यूवर्स बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए कुलवीर सिंह, कुलवीर सिंह मौजूद है। फिफ्थ एडिशन टेनिस बॉल टूर्नामेंट का ये फाइनल खूबसूरत मैच, जिस मैच और शानदार फील्डिंग वहां पे बिल्कुल तमाशा ही बने हुए हैं। आदिलवानी इरशाद ने ही इस मैच को बनाया था डोडा टाइटन के लिए और अब इरशाद ने इस मैच को हराया। डोडा के पैर को खट्टू पैर खाते हुए आरसीसी डोडा ने यह मैच अपने नाम किया है।
यासिर शाह और अरशद मलिक शुक्र है ये सारा अल्लाह की तरफ से है, किसी को हार तो जीत सारा ऊपर वाले का खेल है, जिस जैसे भी होता है ऊपर वाले की तरफ से होता है, जिसको जीत दिलानी वो जीत में जीत है। जी हाँ बिल्कुल, तो जाना है कि मुझसे गुजारिश है कि वो यहाँ पे आ जाए। पूरा टाइटंस बहुत जबरदस्त खेली है टीम, गेंदबाजी ने काफी जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी ने कई हद तक चौंक गया यार, बल्लेबाजों ने आज काफी निराश किया। मुझे लगता है जब तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय।